लोगों को मनी से डेंजल में। तो इस प्रकार से भाई लोग कुछ गोरा फोटो और एचडी फोटो एडिटिंग करने के लिए भाई लोग वीडियो को लास्ट से जरूर बने रहे, तो भाई लोग समझ पाएंगे कि फोटो एडिटिंग कैसे हुआ है। तो जो पहले चलते हैं फोटो को बने लेकर स्नैपसीड एप्लीकेशन में। यार अभी हमारा फोटो इसको चलते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। अभी भाई लोग चलते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में, पहले सबसे पहले फोटो को अपने। यार अभी हमारा स्नैपसीड इसमें जाने के बाद भाई लोग सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे लिखा है पॉप, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद भाई लोग भी देख सकते हैं वहाँ जो फोटो कुछ मतलब इसका रंग बदल चुका है, तो अरे बढ़िया नहीं लग रहा, तो हमको इसको यहाँ से कर देना गलत। उसको सबसे पहले आएंगे टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ लोग यहाँ पर जो कोने में लिखा ट्यून इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद भाई लोग हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है ऊपर ब्राइटनेस, इसको थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे तो लिखा है कॉन्ट्रास्ट, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिचुएशन, सिचुएशन को माइनस कर देंगे हम 13 पर कर देंगे। उसके बाद एम्बाइंस को क्या करेंगे हम, एम्बाइंस को भी 16 पर कर देंगे। उसके बाद जो हाईलाइट है इसको भी हम 15 पर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कर देना सही। सही करने के बाद वाले को हमें क्या करना है, यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई लोग यहाँ पर जो सेलेक्टिव वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद भाई जहाँ भी ब्लैक हमारा रहेगा वहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्लिक करके इसको भाई लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं। अभी गोरा हमारा हो जाएगा फोटो, देख सकते हैं। क्लिक करके कर सकते हैं आप लोग भी, जहाँ जहाँ ब्लैक रहेगा वहाँ वहाँ क्लिक करके आप लोग गोरा कर सकते हैं फोटो को अपने। कुछ इस प्रकार से भाई लोग आप लोग भी अपने फोटो में कर लेना। उसका जो कौन में से वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से सही कर देंगे। उसका भाई लोग अपने फोटो को लेकर चलते हैं एडोब लाइटरूम में। यहाँ शेयर करके ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके लेकर चलते हैं यार हमारा एडोब लाइटरूम। अब भाई चलते हैं एडोब लाइटरूम में। यार अभी हमारा एडोब लाइटरूम, तो भाई लोग देख सकते हैं हमारा फोटो आ चुका है एडोब लाइटरूम में। यार अभी हमारा फोटो, इस पर जाने के बाद भाई लोग हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसे भगाएंगे, जो लाइट वाला ऑप्शन दिया इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद भाई लोग हमें क्या करना है, जिस जो इसका एक्सपोजर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा माइनस कर देंगे हम। उसके बाद भाई लोग हमें क्या करना है, इसका जो हाईलाइट है थोड़ा बढ़ा देते हैं हम हाईलाइट को। उसके बाद भाई लोग जो शेड्स है इसको माइनस कर देंगे शेड्स को। उसका जो हाइट इसको माइनस कर देंगे वाइट को, ब्लैक को थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद पहले हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। कलर आने पर जाने जो कोने में जो मिक्स वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दूसरा नंबर है ऑरेंज है, इसको क्लिक करके इसका सिचुएशन माइनस कर देंगे। और इसका एल्यूमिनियस जितना भाई लोग एल्यूमिनियस बढ़ा करके गोरा कर सकते हैं आप भाई लोग इतना गोरा भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं आप। एल्यूमिनियस जितना बढ़ाएंगे इतना गोरा आपको फोटो होगा। तो भाई लोग मैं कुछ इतना गोरा रखता हूँ। उसका भाई लोग क्या करना है, हमें यहाँ पर जो रेड दिया है इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, सिचुएशन इसका बढ़ा देते हैं। उसका एल्यूमिनियस कम कर देंगे हम। उसका जो व्यू है इसको बड़ा कम भी कर देंगे इसको भी। उसका भाई लोग यहाँ से हमें कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ पर जो लिखा है डिटेल ऑप्शन नीचे, इस पर क्लिक कर देंगे। इसका जो पहला ऑप्शन इसको बढ़ाएंगे देंगे हम, रेडियस को थोड़ा बढ़ा देंगे और डिटेल को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद भाई लोग हमें क्या करना है, फिर फोटो में देखते हैं कितना अंतर आया है। उसके बाद क्या करना है, नॉइस रेडिएशन को बढ़ा देना है हमें। उसके बाद लेके चलना है इसको हमें अपने स्केच बुक एप्लीकेशन में। तो यहाँ से भाई ऊपर शेयर करके इसको शेयर टू लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब भाई हमारा स्केच बुक, इस पर क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद भाई लोग हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर जो तीसरा ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके हम इस वाले ब्रश को ले लेंगे। इसका भाई लोग सेटिंग आप कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। इसका जो फ्लो है एक पर दो पर कर लेंगे हम, इसको हम 5 पे कर लेंगे। और भाई साइज अपने हिसाब से भाई लोग आप रख सकते हैं। उसका भाई लोग इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद भाई लोग हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमें स्मूथ करना है। तो पहले देख सकते हैं हमारा फोटो जो है चेहरा स्मूथ हो रहा है खूब बढ़िया से। आप भाई लोग देख ही सकते हैं हमारा जो फोटो था स्मूथ हो रहा है चेहरा। तो पहले इस प्रकार से भाई लोग वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए भाई लोग मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। अब भाई देख सकते हैं जो फेस है स्मूथ हो चुका है। अब भाई इसको हमें सेव करना है अपने गैलरी में। तो इसके लिए भाई लोग हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पहला वाला जो दिया है 3 लाइन, इस पर क्लिक करके
यहाँ पर जो लिखा है शेयर गैलरी, इस पर क्लिक करके यहाँ पर भाई जो लिखा है सेव करंट स्केच, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो जो हमारा है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अभी देख सकते हैं अब भाई जैसे हमारा गैलरी में सेव फोटो हो जाएगा।